हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स के पहले पार्ट में हमने नेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में देखा, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में बात किया। आज के इस कंटिन्यूएशन चैप्टर में हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो है इन प्रोटेक्टेड एरियाज का नेटवर्क किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और इन प्रोटेक्टेड एरियाज के सब क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स यानी कि थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड जो है हमें किस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज का नेटवर्क देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है वो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। देखिए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एमिंग टू सेट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट ग्लोबली। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, यानी कि ये अलग अलग देशों के सरकारों के बीच जो है ये एक प्रोग्राम चलता है, एक अग्रीमेंट की तरह काम करता है, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, किस तरीके से पीपल और एनवायरनमेंट के बीच, ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच किस तरीके का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। मैन एंड द बायोस्फीयर यानी कि इंसान और उसका बायोस्फीयर यानी कि उसका एनवायरनमेंट इकोसिस्टम, उसके बीच किस तरीके से इंटरेक्शन होने चाहिए, इसके बारे में ये प्रोग्राम डील करता है। और वो साइंटिफिक प्रोग्राम है, यानी कि ऑन साउंड साइंटिफिक लाइन्स ही जो है किस तरीके से ह्यूमन का इंटरेक्शन उसके बायोस्फीयर के साथ होना चाहिए, इसके बारे में ये प्रोग्राम डील करता है। इट वॉज लॉन्च इन अर्ली 1970s। इट प्रपोजेस एन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग दैट टारगेट्स द इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस एंड रिडक्शन ऑफ देयर लॉस। यानी कि बायोडायवर्सिटी की लॉस के वजह से किस तरीके से ह्यूमन जो है इकोलॉजिकल लॉसेस फेस करता है, सोशल लॉसेस फेस करता है और इकोनॉमिक लॉस किस तरीके से होता है, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस में जस्ट बिकॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस कितना लॉस हमें पहुंच रहा है, कितना हार्म इंसानों को पहुंच रहा है, उसके बारे में डील करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के साथ जो है प्रूफ्स के साथ, डाटा के साथ दिया जाता है। और इसे स्टॉप करने के लिए किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए ह्यूमंस और बायोस्फीयर्स का, इसी के बारे में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम डील करता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव है। बायोस्फीयर रिजर्व्स कई बार हमने देखा हुआ होगा, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं, तो आइए देखते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल डिजिग्नेशन बाय यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हम सभी जानते हैं, तो यूनेस्को जो है वो डिजिग्नेशंस देता है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को फॉर रिप्रेजेंटेटिंग पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल और कोस्टल और मैराइन इकोसिस्टम और अ कॉम्बिनेशन देयरऑफ। सारी दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी रीजन में अगर कोई नेशनल लेवल या फिर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करे यूनेस्को को कि भाई इस तरीके का रीजन हमारे पास है जो कि नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस का बहुत है, उसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन के लिए एक हेरिटेज की तरह काम कर सकता है ह्यूमंस के लिए, तो यूनेस्को जो है उन्हें एज अ बायोस्फीयर रिजर्व रिकोगनाइज करता है। यानी कि वहाँ पर मैन का और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन जो है कंट्रोल होना चाहिए, वहाँ पर मैन और एनवायरमेंट के एडवर्स इंटरेक्शन की वजह से वाइल्ड लाइफ पर जो है बहुत बुरा तरीके से मार पड़ रहा है, फिर एनवायरनमेंट पर बुरी तरीके से मार पड़ रहा है, तो किस तरीके से हम उसे कम कर सकते हैं और एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाकर रख सकते हैं, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। अगेन, जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स होते हैं, उसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स का टेरिटोरियल एरिया जो है वो डिजाइनेट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज, तो ये कंट्रीज ही जो है वो साइट्स एस्टैब्लिश करते हैं, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर। तो पिछले साइड में जो हमने मैन एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा हुआ था, वो दरअसल यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम था टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी कितनी जरूरतमंद है प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व यही कहता है कि अच्छी बात है, आप डिजाइनेट कीजिएगा किसी टेरिटरी को कि ये इंटरनेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजाइल है, उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन साथ ही चाहिए कि हम लोकल कम्युनिटीज जो ट्राइबल्स वहां पर हैं उन्हें भी साथ लेकर चलें, उनकी भी मदद लें और साउंड साइंटिफिक लाइंस पर जो है हम उस एरिया को डेवलप करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर लाए। स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तीन रीजन्स में बांटा जाता है। मान लेते हैं कि पूरा जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कोर जोन, जिसे कहा जाता है, जहां पर लिटरली जो जिस किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए या फिर जिस किसी भी एरिया के प्रोटेक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं उसे कोर जोन कहा जाता है। यहां पर किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन अलाव नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, आप ना ही वहां पर ग्रेजिंग के लिए जा सकते हैं, वुड कटिंग के लिए जा सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए आप किसी भी तरीके से नहीं जा सकते। ये पूरा जो है हाईली प्रोटेक्टेड रीजन होता है जिसे कोर जोन कहते हैं।
दूसरा सर्कल या जो दूसरा रीजन आप देख रहे हैं इसे दरअसल बफर जोन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन अलाउड है लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपको इजीली वहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है, ग्रेजिंग वगैरह की इजाज़त वहाँ पर नहीं दी जा सकती। अगर चाहे तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से मूव होने की आपको इजाज़त दी जा सकती है, इसे बफर जोन कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है ट्रांजिशन जोन, यहाँ पर भी जो है ग्रेजिंग वगैरह की इजाज़त बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर भी बहुत ही कम जो है वो परमिशन दिया जाता है। मान लेते हैं कि कई बार रोड्स वगैरह भी जो है पास होते हैं ट्रांजिशन जोन से, तो आप वहां से गुजर जरूर सकते हैं लेकिन वहां पर कोई भी एडवर्स एक्टिविटी जो है आप नहीं कर सकते। तो ये आउटलाइन है, ब्रीफ डिजाइन जो है बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। तो अगला इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अभी जैसे कि मैंने कहा कि कंट्री, इंडिविजुअल कंट्रीज जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उन्हें उन डिक्लेरेशन को रिकॉग्नाइजेशन यूनेस्को देता है, और ये यूनेस्को जो है इन पूरे दुनिया भर के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उन सभी की लिस्ट जो है मेंटेन करता है, उन सभी का एक नेटवर्क जो है बनाकर रखता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एडमिटेड इनटू इंटरनेशनल काउंसिल इंटरनेशनल नेटवर्क बाय इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल आईसीसी। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है वो एक लिस्ट मेंटेन करता है, नेटवर्क मेंटेन करता है, जहां पर पूरे दुनिया भर में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वहां पर उनके नाम होते हैं ताकि उनके बीच कोऑर्डिनेशन किया जाए। एक जगह अगर सक्सेसफुली कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई है, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया है, तो दूसरी जगह पर किस तरीके से इस तरीके के स्कीम्स और पॉलिसीज ला सकते हैं, किस तरीके से लोकल कम्युनिटी का इस्तेमाल करके वहां पर फॉरेस्ट को कंजर्व किया गया, इन सभी के बारे में डील कर सकते हैं, कि सक्सेस स्टोरीज हम शेयर कर सकते हैं, फेलियर्स भी शेयर करके हम सीख सकते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का। सो दिस वेरी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्री सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि नेशनल गवर्नमेंट से ही, कंट्रीज के सरकारों से ही जो है रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि हमें नेटवर्क का एक हिस्सा बनाएं ताकि हम भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकें, और चंद फुलफिलमेंट के प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया भी होते हैं जिन्हें फुलफिल करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप उस नेटवर्क का एक हिस्सा बन सकें। The biosphere reserves remains under the sole sovereignty of the concerned country or the state where it is situated, and the participation in world network is voluntary. ऐसा नहीं कि भाई नेटवर्क का आप हिस्सा बन जाएंगे, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया तो अब सॉवरिन उस एरिया का प्रोटेक्शन राइट जो है वो यूनेस्को को जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कंट्री की सॉवरनिटी वहां पर होगी, कंट्री पर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे बचाएगा, वहां पर रेगुलेट वगैरह करें। बस इतना है कि आप उस नेटवर्क का अगर हिस्सा बनेंगे तो आप कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, आप जो है सीख सकेंगे दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व से कि किस तरीके से कंजर्वेशन एक्टिविटीज किए जा सकते हैं, किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड नेटवर्क का एक हिस्सा बनना वो प्योरली वॉलेंटरी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कई बार हमने इसके बारे में बात भी किया हुआ है, तो आइए जानते हैं कि दरअसल होते क्या है। इट वॉज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट पुट फोर्थ बाय नॉर्मन मेयर्स इन 1988, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ईच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिप्रेजेंट्स अ रिमार्केबल यूनिवर्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लोरल एंड फॉनल एंडेमिसिटी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन रैपिडली श्रिंकिंग इकोसिस्टम्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो बहुत ही बड़े रीजन्स होते हैं, एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें एंडेमिक यानी कि लोकल, फॉरेन नहीं, लोकल लेवल, जहाँ पर स्पेसिफिकली किसी एक ही कंट्री में ही, किसी एक ही रीजन में ही उस तरीके के एनिमल्स या फिर प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एंडेमिक फ्लोरल और फौना जहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रिच उनका स्पीशीज वहाँ पर होता है, लेकिन वो सर्वाइव करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका इकोसिस्टम जो है वो रैपिडली श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, सच एज नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाएगा। सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अ रीजन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज, दो रूल्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह खुद को घोषित कर सकें। सबसे पहला स्पीशीज एंडेमिज्म, यानी कि द लेवल ऑफ स्पीशीज जो आपको लोकल है यानी कि ओरिजिनली आपके लैंड को बिलोंग करते हैं, आपके रीजन को बिलोंग करते हैं। तो स्पीशीज एंडेमिज्म, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, दैट इज मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एज एंडेमिक्स। तो 1500 से ज्यादा स्पीशीज प्लांट्स के जो है, वैस्कुलर प्लांट्स के चाहिए कि आपके कंट्री में या फिर आपके जो
कोई भी रीजन में आपने अर्जी लगाई हुई है कि उसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह अनाउंस करें, तो वहाँ पर एटलीस्ट इतने 1500 स्पीशीज तो होने चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड में जितने भी स्पीशीज हैं प्लांट्स के अलग अलग, उसमें 0.5% से भी ज्यादा जो है एंडेमिक होना चाहिए आपके रीजन को। और दूसरा जो है डिग्री ऑफ दैट, जैसे कि हमने देखा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिवर्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन तो है फ्लोरल और फौना का, लेकिन ये जो है स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। तो पहला हमने देखा कि स्पीशीज एंडेमिज्म कितना है, दूसरा जो है थ्रेट कितना है, डिग्री ऑफ थ्रेट, इट हैज टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। उस स्पेसिफिक रीजन को एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अनाउंस करने के लिए चाहिए कि एटलीस्ट 70% जो ओरिजिनल हैबिटेट उसका था, 70% लॉस उसमें आना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी हद से ज्यादा जो है डैमेज वहां पर प्रोवाइड किया गया है, लाया गया है, तभी जो है आप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की तरह उन्हें अनाउंस कर सकते हैं। और सबसे हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज में, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है वो टॉप पर होते हैं। और आखिर में चंद इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, जैसा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। साइट्स एनी ऑफ वेरियस एरियाज और ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो कोई भी नेचर रिलेटेड हो, ह्यूमन रिलेटेड हो, जो कोई भी इंसानी के लिए या फिर दुनिया की खासियत बढ़ाने के लिए एक आइडेंटिटी, जो यूनिक आइडेंटिटी हमें देता है एज अ ह्यूमंस एज अ वर्ल्ड, उसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाया जा सकता है। वो कल्चरली हो, ट्रेडिशनली हो, नेचर रिलेटेड हो या फिर मैनमेड भी क्यों ना हो, वो सभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाया जा सकता है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। द साइट्स आर डिजाइनेटेड एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी, कल्चरल ट्रेडिशनल रिलेटेड भी, कई सिग्निफिकेंट चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी, कई एरियाज को भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तरह अनाउंस किया जाता है। तो दिस इज वन सच थिंग विच यूनेस्को डज। आखिरी चीज़ जो हमें इस वीडियो में बात करनी है वो है बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स। हमने हॉट स्पॉट्स के बारे में बात किया, कोल्ड स्पॉट्स के बारे में देखते हैं। एरियाज दैट हैव रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बट आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग अ हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। हमने हॉट स्पॉट्स में देखा कि 70% से ज़्यादा जो है हैबिटेट लॉस या फिर ओरिजिनैलिटी जो है उसमें लॉस होनी चाहिए, और 0.5% से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है उसमें एंडेमिज्म होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा एक अच्छे तरीके से स्पीशीज का रिसेंस वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स एक ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बायोडायवर्सिटी कम है, लेकिन उस बायोडायवर्सिटी को थ्रेटन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट लॉस। और हमने हैबिटेट लॉस के बारे में कई बार बात किया, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, अर्बनाइजेशन की वजह से, जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसके वजह से भी दीज पुअर एनिमल्स एंड प्लांट्स दे डोंट गेट टू सर्वाइव। सो इस तरीके के हैबिटेट लॉस की वजह से जो है उन रीजन की बायोडायवर्सिटी को बहुत ही एडवर्सली हार्म पहुँच रहा है। तो इसे बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट कहा जाएगा, जहाँ पर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रिलेटिवली लो है, कम है, लेकिन हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस वहाँ पर हो रहा है, उन्हें हाई लेवल पर जो है उन्हें एक्सटिंक्शन की कगार पर भेजा जा रहा है, उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के सेकंड पार्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।